हेलो एंड वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज। अजय और अक्षय ने धमाल मचाने की कर ली पूरी तैयारी। अक्षय कुमार की मैं बात करूं तो उनकी शूटिंग शुरू कर दी है उन्होंने और एक फिल्म बेल बॉटम पूरा शूट कर डाली है। इन दिनों वे पृथ्वीराज नामक फिल्म की शूट कर रहे हैं। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा का काम जो है वो शुरू कर दिया है। सलमान खान भी सेट पर लौट आए हैं। अक्षय काफी ज्यादा बिजी हैं, उनके पास कई सारी फिल्में हैं जिनमें कुछ फिल्मों की शूटिंग की वो पूरी भी कर चुके हैं। हाल ही में उनकी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज हुआ है। अक्षय कुमार जल्दी डायरेक्टर आनंद एल रॉय के निर्देशन में बन रही फिल्म अतरंगी रे में नजर आएंगे। इस फिल्म में सारा अली खान और साउथ एक्टर धनुष मुख्य भूमिका में है। वैसे तो अक्षय एक दिन की शूटिंग के 1 करोड़ लेते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने 27 करोड़ लिए हैं, जबकि इस फिल्म में उनका कैमियो रोल है। इसके लिए वह सिर्फ 2 हफ्ते की शूटिंग करेंगे। इसके अलावा अक्षय कुमार ने यशराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर आधारित बायोपिक की शूटिंग शुरू कर दी है। बता दें कि अजय की तो एक रिपोर्ट के अनुसार अजय को कोई भी जल्दी नहीं है। वह चाहते हैं कि COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों और भी ज्यादा बेहतर हो जाए, माहौल सुरक्षित हो जाए, तभी वह शूटिंग शुरू करेंगे। अजय इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। खबर है कि वे स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं जिसका निर्देशन वो खुद करेंगे। अपने प्रोडक्शन हाउस से कुछ फिल्मों का निर्माण भी वे करने वाले हैं। फिलहाल अजय देवगन स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर और फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। अभिषेक जो है वो उनके द्वारा निर्देशन में ये फिल्म बन रही है, वॉर एक्शन फिल्म है। इसके अलावा अजय के पास इस फिल्म के अलावा मैदान, कैथी, चाणक्य और थैंक गॉड जैसी फिल्में हैं जिसका काम अलग अलग स्तर पर चल रहा है। तो देखते हैं कि वो दिवाली के बाद ही हो सकता है कि शूटिंग शुरू करें, लेकिन क्या है पक्की खबर ये हम बाद में आपको जो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तब आपको बताएंगे। आपकी जो भी राय आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज़।